तब मैं अबाड़ी की तब जा रहा हूँ। अबाड़ी गांव की समस्या से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ। ये देखिए अबाड़ी 2 किलोमीटर है और यहाँ से गुरमुरा 8 किलोमीटर के लगभग है। अबाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर, गुरमुरा 8 किलोमीटर। इसी गांव की मैं समस्याओं से, इसी गांव के लोगों से मिला, लोगों को जानना चाह रहा था कि सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिली। यहाँ अब तक आवास कई आए, सारी सुविधाएं दी जा रही है। जिलाधिकारी बार बार सभी प्रधानों को कहा जा कहते हैं कि अपने गांव की सूची दीजिए क्या कमी है। इसके बावजूद भी देखिए ये लोग कच्चे मकान में रहते हैं, यहाँ शौचालय नहीं है, सड़कें नहीं है सही से, पानी की व्यवस्थाएं सही से नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधाएं भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मोबाइल नहीं काम करता है। अगर यहाँ कोई बात हो जाए, आधी रात में किसी के साथ कोई घटना हो जाए, वह पुलिस तक को फ़ोन नहीं कर सकते हैं। महिलाएं बीमार हो जाएं, वो 112 में, 108 में नहीं फ़ोन कर सकते हैं। सो ये गांव वालों हैं, इस गांव में अब तक ना तो इनको आवास मिला, ना शौचालय मिला, ना इनको सरकार द्वारा सुविधाएं मिली। ये अगर बीमार भी हो जाते हैं तो ये अपने इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये यहाँ इनके पास जो मोबाइल है जो यहाँ काम नहीं करता है। देखिए यहाँ मोबाइल है, यहाँ ये टावर देखिए, ये हम फोन मिला रहे हैं, यहाँ ये काम नहीं कर रहा है। देखिए ये, देखिए यहाँ मोबाइल काम नहीं कर रहा है। तो अगर कोई वारदात इनके साथ हो जाती है तो ये चाहेंगे भी पुलिस को फ़ोन करना तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता है। ये आपका गांव है, ये जो मुख्य रास्ते से जुड़ा हुआ है, इस गांव में आप लोग, आपका प्रधान कौन है? पवन है। पवन है। क्या आप लोगों को आवास मिला है? नहीं, नहीं मिला है। नहीं। शौचालय? नहीं। सोच के लिए आप लोग जंगल में जाती हैं? हाँ। सरकार द्वारा लाभ प्यास करते रही है कि गांव में शौचालय मिले, आवास मिले, आप लोग को अभी तक नहीं मिला? नहीं। आपने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की? नहीं, नहीं की। प्रधान से कहे आपने? हाँ, प्रधान से कहे। तो प्रधान क्या कहते हैं? नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बचने। किस गांव के रहने वाले हैं? अबाड़ी। ये इनके प्रधान का क्या नाम है? पवन सिंह। पवन सिंह, क्या आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है आपके गांव में आ रही नहीं आ रही है? नहीं है, आया है टावर, आया नहीं है। टावर नहीं, जैसे सबसे मूल आवास, शौचालय। असली गरीबों को आवास चाहला, लेकिन आवत कहाँ बा, आवास नहीं मिला अभी तक। नहीं, अब यहाँ की बहन बेटियाँ सोच के लिए जंगल जाती है। हाँ। शौचालय नहीं मिला? नहीं, शौचालय भी नहीं मिला है। प्रधान जी से आपने बात किया था? हाँ हाँ। क्या बोले? सब कह रहे हैं जे मिलेगा आवास, हम लोग को चाहिएगा। हाँ। शौचालय कोई कोई के नाम से आया है, लेकिन बना नहीं है। बना नहीं है? हाँ, आ गया है कोई कोई के, कोई कोई, लेकिन बना नहीं है। न यहाँ के लोग, अगर लोगों को रॉबर्टगंज जाना हो, हाँ, मुख्यालय जाना हो, हाँ, कैसे जाते हैं? यह टेम्पू उम्पू, टेम्पू ही चलता है? हाँ, वो भी कभी कभी नहीं, फोन करके बुला लेते, गाड़ी को फोन करके बुलाएंगे। हाँ, जब आ जाएगी। हाँ, यहाँ तो मोबाइल काम नहीं करता है? दुख सुख में बुला नहीं, यहाँ तो मोबाइल काम नहीं करता है? नहीं, हम लोग को जियो मोबाइल करता है। काम कहाँ कर रहा है? हम तो जियो से अभी चेक किए, नहीं कर रहा है। अच्छा, पहाड़ पे जाना पड़ेगा? हाँ, कहीं मतलब कहीं दूर दूर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर रात में अगर कोई बीमार भी हो जाए, हाँ, तो आपको जंगल में जाना पड़ेगा, पहाड़ पे जाना करे, जब आप मुख्यालय में फोन कर सकते हैं हॉस्पिटल में। हाँ, ठीक। क्या नाम है आपका? बसंत लाल। किस गांव के रहने वाले हैं? झलुआ। ये किस विधानसभा में आता है? कोटा ग्राम सभा में आता है। आपके गाँव में
सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, आवास और पानी सुविधा, शौचालय, आपको मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं मिला? अभी आप इसकी शिकायत कहे थे आप, जो है तो सामने देख रहे हैं, मिला है, कहीं बना होता खुद है। प्रधान जी कौन है? पवन कुमार। पवन कुमार जी प्रधान है। तो क्या आपने अपनी बात रखी है कि ये आदिवासी है, खरवार बस है, यहाँ आदिवासी लोग है, इन लोगों को अब तक सरकार द्वारा योजना का लाभ नहीं मिला? पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी व्यवस्था है, नदी नाले स्पीड है, और कौन व्यवस्था, नदी नाले का जी, कोई हैंडपम्प नहीं लगी है? नहीं। गंदा पानी पीने से मजबूर है आप लोग, भाई नाले का पानी है, गंदा ही होंगे, बीमार हो रहे होंगे आप लोग, है ना? मनोज सिंह राणा सोनभद्र से गांव की खबरें पहुंचाएंगे। मनोज राणा।